हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी पढ़ने में एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ही सेम है, वैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्ट। बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई के हमें प्रोडक्ट पता करना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन इज फर्स्ट पार्ट 103 एंड 107। We have to solve it. सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया था इसे तोड़ा जाएगा प्लस माइनस की फॉर्म, ताकि हम अपनी आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकें। तो 103 एंड 107 को क्या लिखा जा सकता है, इट कैन बी डन 100+3 100+7। ये लिख दिया हमने। ध्यान देना है कि फर्स्ट जो नंबर है दोनों ब्रैकेट के पास सेम रहना चाहिए, क्योंकि जितनी भी हमारे पास स्क्वायरिंग आइडेंटिटी थी वहां पर एक्स की वैल्यू जो है सेम रहती है, एक्स होता हमारे पास तो इसलिए एक्स का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात वाई की, यहां पर देखिए 3 है और यहां पर 7 है, तो इट इज दीज आर नॉट दी वैल्यूज ऑफ वाई, ये वाई की वैल्यू नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब इसकी वैल्यू है क्योंकि लगभग अलग अलग है ए और बी की वैल्यू। तो हियर हम क्या कह सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 100 a is equal to 3 and b is equal to 7. Now, using identities, अपनी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, कौन सी वाली, x plus a, x plus b is equal to x square plus a plus bx plus a, इस तरीके से। अब आइडेंटिटी में पुट अप कीजिए, 100 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू एक्स और इंटू 3 इंटू 7, तो इट इज 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, 10 इंटू 100 प्लस 10 21,000। नाउ एडिट, 10,000 प्लस 1,000 इंजीनियर ऐड करने के आपको मैथ क्या मिलता है, दिस इज आवर आंसर, मींस दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन। नाउ कंप्लीट सेकंड पार्ट, इन सेकंड पार्ट 104 इनटू 96 इट कैन बी बेग लाइक दिस, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसे तोड़ सकते हैं। देखिए कर सकते हैं इसे हम इट वॉज थर्ड पार्ट, पहले हम सेकेंड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट नाइन्टी प्लस फाइव एंड नाइन्टी प्लस सिक्स बन गया क्वेश्चन इसी फॉर्म में। यहां एक्स के वैल्यू 90 है, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 है, पुट कर दीजिए। आप चाहते हैं इस तरीके से लिख सकते हो 100 माइनस 5 एंड 100 माइनस 4। तो अब कहोगे आपकी ये जो है हमारे को तो प्लस की आइडेंटिटी पता है, माइनस की नहीं पता, तो माइनस वाले केस में हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। प्लस वाली तो आप नॉर्मली सोल्व कर सकते हो, माइनस वाली में क्या करेंगे, देखिए माइनस वाली में भी हम यही आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए क्या करें, 100 माइनस 5 100 माइनस 4, तो क्या कर सकते हैं इसका, तोड़ देंगे 100 प्लस ब्रैकेट में करके एंड दिस आल्सो भी 100 इसे तोड़ दिया हमने। देखिए यहां देखिए हियर एक्स इज इक्वल टू 100, ए इज इक्वल टू -5, b is equal to -1, here you can see this, after this using identity your line लिखेंगे और अपनी identity put up कर देंगे। यहां पर x की value 100 square minus 5 minus 4
Max. इस तरीके से 100 के स्क्वायर माइनस 9 और ये 5 हो गया 20 माइनस माइनस प्लस 10,000 माइनस 900 9 ऐड कर देंगे, दिस इज आवर। तो नंबर को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आप देखना चाहे इसका थर्ड पार्ट भी देख सकते हो, दैट इज वेरी सिंपल, 104 × 96। यहाँ पर हेयर एक्स इज इक्वल टू 100, देखिए वाई की वैल्यू अगर दोनों के पास सेम है तो वाई की वैल्यू आएगी। अब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? अभी वाली आइडेंटिटी नहीं लगेगी क्योंकि चेंज हो गई। फर्स्ट सेकंड पार्ट में ए और बी की वैल्यू थी, यहाँ हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू सेम है एक्स और वाई की। इन दैट केस जो आइडेंटिटी है वो एक्स और वाई वाली होगी। यूजिंग आइडेंटिटी x + a, sorry, x + y, x - 4 = 100 + 4 = 9,800। ओके गाइस, दिस इज आवर आंसर। समझ गए होंगे? तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन क्या था? फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। मतलब हमारे को आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए इनको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन जो है खोल के दे रखा है, हमें क्लोजिंग फॉर्म में डालना है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, 9x² + 6xy + y² यहाँ तीनों ही पार्ट में x² और y² की फॉर्म में है क्वेश्चन। तो इसका मतलब जो आइडेंटिटी ओपन की गई है यहाँ पर वो एक्स और वाई की फॉर्म में की गई है। तो एक्स और वाई का ध्यान रखते हुए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां देखिए, सबसे पहले दिस इज x², दिस इज y², तो इट कैन बी ब्रेक 9x² को क्या लिख सकते हैं, 3x² ओके, वाई को y² टूट चुकी है। अब बचाइए आइडेंटिटी क्या कहती है, x² + y² बीच में 2xy, 2 x की वैल्यू, y की वैल्यू। नाउ यू कैन सी 3 × 6 = 6xy मिला। नाउ यूजिंग ये चीज लिखनी जरूरी है, आइडेंटिटी हमने लगाई कौन सी, आप इसे a और b की फॉर्म में डाल दीजिए, a² + 2ab + b² = a + b का होल स्क्वायर। सो वी कैन यूज 3x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आगे, 3x + y आंसर। इस तरीके से हमने इसे क्लोजिंग फॉर्म में डाल दिया। ओके, नाउ इट्स सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 4y² - 4y + 1। You can see here this is the 2y² - + 1² ये भी हमने बना दिया x², ये बना दिया y² के फॉर्म में, इसको 2ab हो गया। नेगेटिव है तो नेगेटिव आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी a² - 2ab + b² a - b² this
अब हम इससे क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2y-1 का होल स्क्वायर, इट मीन 2-1 2-1 आंसर। ओके नाउ कम टू थर्ड पार्ट। इन थर्ड पार्ट क्वेश्चन इज गिवन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, तो इट कैन बी ब्रेकअप 100 को क्या ले सकते हैं इस तरीके से, हमने सिद्ध होती है यहां पर x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये y अपॉन 10 है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, देखिए x माइनस वाई अपॉन 10 x प्लस वाई अपॉन 10 दिस इज आंसर। ओके इट्स द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू अ पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, हमें एक्सपेंड करना है ओपन करना है। यू कैन सी हियर ईच क्वेश्चन लगभग सभी क्वेश्चन समान है, तो इसलिए हम इसमें कुछ पार्ट्स को छोड़ देंगे, जो सही सही से है अच्छे से, थोड़े मुश्किल से है टिपिकल है केवल उन्हीं को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले हम उसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर जो आइडेंटिटी समान होती है हमारी x y थर्ड तीसरा भी आ गया जेड भी आ गया, यानी कि कौन सी आइडेंटिटी यहां पर इस्तेमाल हो रही है, x प्लस y प्लस जेड वाली। x प्लस y प्लस जेड वाली आइडेंटिटी क्या कहती है, वो कहती है यूजिंग आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हम इसे क्वेश्चन को x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो उसका पूरा का पूरा पार्ट जो है इसी आइडेंटिटी के आधार पर सोल्व होगा, बस आप आइडेंटिटी की वैल्यू को पुट अप करना सीख चलिए। अब जैसे क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर x y z की फॉर्म में है, तो आप इसे आइडेंटिटी को a b c d b फॉर्म में लिख सकते हो इस तरीके से, पहले बता चुका हूं a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ab 2bc प्लस 2c, ऐसे भी लिख सकते हो इस आइडेंटिटी, चाहे ये लिखो चाहे इसे लिखो। आइए अपनी आइडेंटिटी में पुट अप करने वैल्यू इसको, तो ए की वैल्यू में एक्स एक्स बी सी 2ab 2 ए की वैल्यू एक्स बी 2b सी की वैल्यू और ए की वैल्यू क्या थी हमारी एक्स, इन सब की जो मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन है जो भी है मतलब उसको ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर 16 जेड स्क्वायर तीनों का प्रोडक्ट 2 टू 4 एक्स वाई 2 टू 4 यहां पर भी नहीं पाई गई क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा एक्स वाई जेड के फॉर्म में है, तो जैसे क्वेश्चन में फॉर्म क्वेश्चन जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में लेंगे 2 टू 4 4 जा 2 टू 4 4 16 वाई जेड प्लस 4 टू 8 8 एक्स जेड, तो हेयर एक्स स्क्वायर प्लस 4y² अगर कोई ऐड हो सकता है एक जैसा वेरिएबल किसी के पास तो उसे ऐड कर देंगे और नहीं है तो उसे वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे, यहां पर कोई भी एक जैसा नहीं है, तो इसलिए हमारा यही आंसर बनके तैयार होता है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के ऑल पार्ट्स करने हैं।
ओके तो आइए सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आ गई थी ओनली वी आर टेकिंग पार्ट फिफ्थ एंड सिक्स हम केवल फिफ्थ और सिक्स पार्ट हो गए थे क्योंकि आइडेंटिटी हमारे लिए लिखनी पड़ेगी बार बार तो हमने इसलिए लिखी छोड़ते हैं क्वेश्चन में पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं क्वेश्चन है हमारा माइनस टू एक्स प्लस फाइव वाई माइनस थ्री जाए होल स्क्वायर इन दिस क्वेश्चन इट इज टेकिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई चेक अब आपको अभी यहां पर नेगेटिव है यहां पर पॉजिटिव है तो आई हैव टोल्ड यू यहां पर पॉजिटिव की आइडेंटिटी होती है इन दैट केस हम नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में चला जाता है तो इस क्वेश्चन के साथ भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे तो आइए हम इसे थोड़ा दोबारा लिखते हैं माइनस टू एक्स प्लस फाइव वाई माइनस थ्री जाएगा ओके तो जो नेगेटिव साइन है उनको हम अपनी ब्रैकेट में बंद करें माइनस टू एक्स प्लस फाइव वाई प्लस थ्री जेड का होल स्क्वायर देखिए हो गई अब अपनी यूजिंग आइडेंटिटी पुट अप कर दीजिए वैल्यू इसको एक्स स्क्वायर तो एक्स की वैल्यू कौन ले रहा है आप माइनस टू एक्स Then minus 2x square, y square, 5y. ये है y की वैल्यू z की वैल्यू माइनस थ्री जेड टू एक्स वाई माइनस टू एक्स फाइव वाई प्लस टू वाई जेड टू वाई एंड जेड इज प्लस अब टू जेड एक्स यहां लिख रहा हूं नीचे टू z की वैल्यू क्या है माइनस थ्री जेड और x की वैल्यू माइनस टू एक्स ओके अब हम इसको अपने ब्रैकेट को खोल देंगे खोली टू एक्स स्क्वायर फोर नेगेटिव है नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है फोर एक्स स्क्वायर ट्वेंटी फाइव वाई स्क्वायर थ्री का नाइन जेड स्क्वायर अब देखिए टू की जो फोर फोर फाइव जो ट्वेंटी माइनस 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 प्लस माइनस होता है तो इसलिए माइनस आते हैं एक्स वाई इसी तरीके से इसमें फाइव थ्री जो फिफ्टीन टू जो थर्टीन प्लस माइनस 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 थर्टीन दिस इज ऑल्सो नेगेटिव इट इज ऑल्सो नेगेटिव 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 इज पॉजिटिव थ्री टू जै सिक्स सिक्स टू जै ट्वेल्व एक्स टेन आंसर ओके तो दिस वॉज अवर फिफ्थ पार्ट नाउ कम टू अवर सिक्स्थ पार्ट सिक्स पार्ट में चलते हो उसको भी बिल्कुल ऐसे करेंगे देखिए ध्यान से सिक्स पार्ट क्या है हमारा वन अपॉन फोर ए माइनस वन अपॉन टू बी प्लस वन का फोर स्क्वायर दिस इज द क्वेश्चन नाउ चेंज इट जो नेगेटिव साइन है उन्हें ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए छिपा दीजिए तो हम क्या कहते हैं इसे वन अपॉन फोर ए प्लस वन अपॉन टू बी प्लस वन देखिए हमने छिपा दिया अब अपनी आइडेंटिटी लगा दीजिए प्रॉपर एंड सॉल्व द क्वेश्चन तो यह एक्स की वैल्यू क्या है वन अपॉन फोर ए का स्क्वायर प्लस माइनस वन अपॉन टू बी स्क्वायर जेड वन टू एक्स वाई वन अपॉन फोर ए माइनस वन अपॉन टू ये हो गया अब इसमें टू वाई की वैल्यू माइनस वन पॉइंट टू बी एंड जेड
is 1 plus 2z और x की वैल्यू 1 upon 4 है। अब इन सब की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अपन के ना 1 upon 16 में स्क्वायर माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है 1 upon 4 b स्क्वायर 1 स्क्वायर नाउ मल्टीप्लाई प्लस ए बी नेगेटिव प्लस माइनस माइनस हो जाएगा सारा 2 मल्टीप्लाई ऊपर 2 हो गया नीचे 8 ए प्लस ऊपर 2 बचा 2 यानी कि यहाँ पे भी माइनस 2 अपॉन 2 बी यहाँ पर 2 अपॉन 4 ए इस तरीके से। अब अगर कोई डिवाइड होता है तो उसे डिवाइड कर देंगे, नहीं होता तो नहीं कर देंगे। ये हो गया आपका 1 अपॉन 16 स्क्वायर 1 अपॉन 4 बी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर 2 बचा 2 2 4 जाए इस फॉर्म में आ 1 अपॉन 4 ए बी 2 बचा 2 माइनस बी या 1 बी कह सकते हो। इसी तरीके से 2 बचा 2 2 2 जाए 1 अपॉन 2 ए आंसर। ओके तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy 24yz माइनस 16xz। यहां पर देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम आइडेंटिटी को ओपन कर रहे थे, एक्सपेंड कर रहे थे। अब यहां पर क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा खोल के दे रखा है, सॉल्व करके दे रखा है। अब हमारे को इसे इनिशियल पॉइंट पे ले जाना है, मतलब इसे फैक्टराइज करना है, छोटी फॉर्म में लाना है इनिशियल पोजीशन का। मतलब कैसे करेंगे इसे, इसमें भी हम अपनी उसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहां पर पहले से तोड़ लीजिए, क्योंकि आइडेंटिटी हमारी पूरी की पूरी प्लस फॉर्म में होती है, माइनस फॉर्म में तो नहीं रहती। तो पहले से क्वेश्चन को पूरे को प्लस फॉर्म में बनाइए और यहां पर प्रॉपर पता कीजिए कि जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है, वाई की वैल्यू क्या है एंड जेड की वैल्यू क्या है। आइए तो यहां पर देखिए, दिस इज 4x, यू कैन राइट इट 2x का होल स्क्वायर। ये तो बन गई x की वैल्यू 93, ये 3y स्क्वायर और दिस इज 4z स्क्वायर। अब आइडेंटिटी हमारी आगे क्या कहती है, आइडेंटिटी कहती है 2xy, तो 2xyz 2 x की वैल्यू 2x y की वैल्यू 3y। हमारे मैंने आपको पहले ही बताया था केवल इनिशियल वैल्यू को पता कर लीजिए, जैसे एक्स वाई या जेड जो भी वैल्यू है उसको पता कर लीजिए, बाकी की जो रिमेनिंग क्वेश्चन होता है आइडेंटिटी का वो हमें अपने आप बन जाता है। देखिए हमने एक्स वाई जेड पता कर लिया, 12xy अपने आप मिल जाए, देखिए 2xy 3 2 12 2 12 3 2 6 2 12 मिल गया। अब आगे आइडेंटिटी आगे क्या कहती है, प्लस 2yz y की वैल्यू 3y और z की वैल्यू 4z, इसके बाद 2zx zx की वैल्यू 3 x की वैल्यू 2x। अब देखिए यहां पर हमारी आइडेंटिटी पूरी प्लस की फॉर्म में थी, हमारी प्लस की फॉर्म के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन ये टूट गया, लेकिन ऊपर तो माइनस है भाई। आप मतलब इन तीनों को प्रोटेक्ट करो, 12 मिलेगा 12xy मिलेगा, इसका करोगे 24, इसका करोगे तो 16xz, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, लेकिन हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव का मतलब ये यहां पर तो इसमें बताया है क्योंकि यहां पर ओपन कर रखा है, और स्क्वायरिंग ओपन करने पर क्या होता है, नेगेटिव साइन जो होता है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, इसलिए और इन दिस केस मल्टीप्लाई की गई है इन दोनों में तो वो नहीं हो पाया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है, इट इज द वैल्यू ऑफ 2yz,
और ये वैल्यू किसकी है, 2zx की। इसका मतलब क्या है, या तो y और z की वैल्यू में से कोई नेगेटिव है, या तो y और z की वैल्यू में से कोई नेगेटिव है, या फिर zx की वैल्यू में से नेगेटिव है, और ये वैल्यू है किसकी, 2xy की, या फिर इसमें से। लेकिन इसमें से हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तीनों वैल्यू जो हमारी पॉजिटिव है। तो इस तरीके से आप पहचानोगे, तो इसमें तो नहीं है, तो इसका मतलब x और y में तो नहीं है। अब आगे चलते हैं, इसमें इसमें y और z की वैल्यू है, तो यहां पर तो नहीं कह सकते, यहां पर तो नहीं है, यहां पर नेगेटिव नहीं है, नो नेगेटिव, ओके, बट हियर है। अब वो चाहे y वाला हो सकता है या z वाला हो सकता है, y वाला भी हो सकता है या z वाला भी हो सकता है। लेकिन आगे चले हम, तो ये z वाला है और ये x वाला तो था ही नहीं, x वाला तो था ही नहीं, लेकिन नेगेटिव साइन है इसके पास, तो इसका मतलब z वाला है। यहां पर ये आप देख सकते कि इन दो, जब x और y नहीं है तो इसका मतलब कौन है, इसका मतलब z वाला पोर्शन जो है नेगेटिव है। तो आप z वाले पोर्शन को नेगेटिव साइन के साथ लेकर चलोगे, ओके, तो हम यहां पर इसे नेगेटिव साइन निकाल देंगे। क्यों, ये आपको पीछे क्या होगा, क्यों, ये चेंज है, ओके। ये माइनस और ये माइनस, तो जब भी ये ओपनली आइडेंटिटी देगा, तब टेस्ट करते हुए कहेगा इन टाइप के अगर नेगेटिव साइन इज गिवन, देन आपको बड़े ध्यान से देखना है कि कौन है, क्योंकि दो का प्रोडक्ट है, दो के प्रोडक्ट में या तो ये होगा, या तो पहला होगा या दूसरा होगा। तो आइए अब अपनी आइडेंटिटी का इस्तेमाल कीजिए, आइडेंटिटी लिख के बता देंगे, आइडेंटिटी का इस्तेमाल, यूजिंग आइडेंटिटी, a प्लस बी, ए की भी फॉर्म में लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू बी सी प्लस टू सी ए, क्योंकि क्वेश्चन एक्स आई के फॉर्म में, तो इसलिए हम ए बी सी के फॉर्म में डाल दिया, इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बस लिखना है समझाना। तो इस पूरे की जगह ये लिखा जा सकता है, इस पूरे की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो क्या मिला हमारे को, 2x plus 3y minus 4z का होल स्क्वायर, एंड यू कैन राइट इट अगेन लाइक दिस आंसर, ओके। इसी तरीके से इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट किया जाएगा, उसको भी कर लेते हैं, आइए क्योंकि आइडेंटिटी हमारी यही इस्तेमाल हो रही है, तो हम अपनी आइडेंटिटी को इरेज नहीं कर रहे हैं, इसके इस्तेमाल भी हम सेकंड क्वेश्चन के लिए हमारी लाइन काम करेगी, ओके। सेकंड क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2 yz माइनस 8x, ओके, दिस इज क्वेश्चन। तो आप इसे फिर से इसी फॉर्म में तोड़ना है हमारे को, तो सबसे पहले हम इसे x स्क्वायर बनाएंगे, x स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर, तो x को भी x का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन 2 किसका होता है, 2 किसका स्क्वायर होता है, किसी का नहीं होता, बट 2 को तो हमें स्क्वायर फॉर्म में तो डालना ही डालना, तो 2 जो नहीं डल पाता उसे को रूट का बना लिया जाता है, 5 किसी का होता है, नहीं होता, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, रूट 5 को, 5 को रूट 5 का स्क्वायर कह सकते हैं, उसी तरीके से यहां पर 2 को रूट 2 का स्क्वायर कह सकते हैं। आइए ये चीज वाई 8 को, अब 8 भी किसी का नहीं होता, 8 पे फैक्टर कीजिए, 2 ये फैक्टर बनके तैयार हो गया, तो मतलब ये पेयर तो बनना है, लेकिन इसका पेयर नहीं, तो हमें स्क्वायर फॉर्म बनाना है, क्या हो गया इसका मतलब, इसका मतलब ये 2√2 का स्क्वायर है, ओपन करके देख सकते हो, 2 का स्क्वायर 4 √2 यू कैन गेट 8,
So it can be written 8z square, is matlab it is 2 root 2 z square. अब यहां पर देखिए आगे नेगेटिव साइन का इस्तेमाल हुआ है, इसमें भी है इसमें भी, तो इसमें होने का मतलब या तो x है या y है, लेकिन इस वाले में नहीं है तो इसका मतलब y तो नहीं है, और इस वाले में है जब इसमें y है z है तो इसका मतलब z भी नहीं है y भी नहीं है, लेकिन इसमें x है तो इसका मतलब नेगेटिव साइन किसके पास है, नेगेटिव साइन जो है वो x के पास है. ओके, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, प्लस आइडेंटिटी क्या कहती है, आइडेंटिटी कहते हैं टू ए बी, यानी कि टू ए की वैल्यू माइनस टू एक्स बी की वैल्यू वाई, ये यहां पर हमने नेगेटिव साइन और यहां पर भी करेंगे हम नेगेटिव साइन का इस्तेमाल. ओके, आगे तो ये टू ए बी हो गया हमारा. अब टू बी सी, टू बी की वैल्यू क्या है यहां पर, ये यहां से देख सकते हो आप, ये वाई, सी की वैल्यू टू रूट टू सी, होगी गुड. आगे एट एक्स है को तोड़ना है, यानी कि टू एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी, माइनस और जेड की वैल्यू, हो गया आइडेंटिटी. आप इसका प्रोडक्ट करना चाहते हो प्रोडक्ट भी देख सकते हो, 4, 4, 2, लेकिन यहाँ पर ये प्रोडक्ट जा रहा है, इसका मतलब हमारे स्पेक्ट्रम में गलती हो रही है. आइडेंटिटी क्या कहती है, टू, तो इसके पास तो ऐसे ही टू टू ही है, केवल रूट टू है, समझे. तो एक्स की वैल्यू क्या थी, रूट टू है यहां पर, एक्स वाई वाई जेड, ये x देखिए 4 4 2 मिल गए, नेगेटिव 2 2 4 4 2 मिल रहा, देखिए 2 2 और कट करा सही है. अब अपनी आइडेंटिटी भी लिखी यूजिंग दिस आइडेंटिटी एंड यू कैन राइट नाउ दिस इन द फॉर्म ऑफ दिस आइडेंटिटी. को तो हम यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, माइनस रूट टू एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या वाई एंड सी इज होल स्क्वायर. नाउ ब्रेक इट, ये टू रूट टू जेड है, तो बच्चों हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है. इसके बाद चलते हैं आइए क्वेश्चन नंबर 6 में. क्वेश्चन नंबर 6, लाइक द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. हमारे यहाँ पर क्यूब्स दे रखी है, उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. क्यूबिक वाली आइडेंटिटी बताई थी हमने, क्यूबिक आइडेंटिटी खोल देंगे, अब तक स्क्वायरिंग खोल लेते क्यूबिक खोल देंगे. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट क्या है, 2x + 1 ई होल क्यूब यूजिंग आइडेंटिटी का इस्तेमाल कीजिए. अपनी क्या a प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, या फिर आप अपनी डायरेक्ट वाली भी पुट अप कर सकते हैं, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, चाहे आप इसे लगा लो चाहे आप इसे लगा लो, हम इसको लगा रहे हैं ऊपर वाले. ओके, बाद में खोल देंगे. तो a की क्यूब 2x की क्यूब
डीके क्यू बल्कि क्यू क्योंकि ये ए है ये बी है थ्री ए बी ए प्लस बी होगी टू पी क्यू एट एक्स सी क्यू क्योंकि क्यू बोल रहे हो टू टू जा फोर टू जा एट वन बी क्यू वन थ्री बी जा सिक्स वन जा प्लस सिक्स एक्स ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ सिक्स टू जा ट्वेल्व एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स अगर लगभग कोई वेरिएबल एक जैसा हो तो इसे कर लेंगे नहीं है तो इसे प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे अभी पहले क्यू वाला स्क्वायर वाले ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ भी छोड़ सकते हैं यही आंसर हमारा चाहे आप जो मर्जी कीजिए ओके तो इट वॉज द क्वेश्चन नंबर सिक्स फर्स्ट पार्ट नाउ कम टू इफ थर्ड पार्ट इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं क्योंकि सेकंड पार्ट में टू ए माइनस थ्री बी है नेगेटिव आइडेंटिटी है दैट इज वेरी सिंपल उसे हम खोल सकते हैं तो सेकंड को करने के लिए हम फोर्थ की हेल्प लेंगे उससे आप अच्छे से समझ जाओगे क्योंकि थोड़ा सा वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है तो आइए हम थर्ड पार्ट को करते हैं इसके बाद थर्ड पार्ट में क्वेश्चन इज गिवन थ्री बाई टू एक्स प्लस वन पी क्यू सेम आइडेंटिटी कीजिए तो ए की वैल्यू यहां पर किसने दी इसने बी की वैल्यू वन थ्री और कीजिए थ्री की क्यू ट्वेंटी सेवन टू की क्यू एट या वन की क्यू वन थ्री थ्री जै नाइन नाइन वन जै नाइन एक्स अब क्या इसका प्रोडक्ट नाइन थ्री जै ट्वेंटी सेवन वन फोर वन दिस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसकी सेम चीज मिलेगी ओके आंसर समझ गए होंगे आइए इसके क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं नेगेटिव आइडेंटिटी का नेगेटिव आइडेंटिटी का जो पार्ट है वो सेकंड है फोर्थ है तो मैं करा देता हूं नेगेटिव आइडेंटिटी क्या होती है ए माइनस बी क्यू उसमें पूरे में नेगेटिव साइन इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव साइन काट जाते हैं ये ओके तो हमारे पास अब सेकंड क्वेश्चन है टू ए माइनस थ्री ए की वैल्यू टू ए बी की वैल्यू थ्री बी थ्री इस तरीके से डब कर दी अब मल्टीप्लाई एंड ओपन क्यू में क्या जो भी तो टू की क्यू एट ए बी क्यू थ्री बी ट्वेंटी सेवन बी क्यू थ्री टू या सिक्स सिक्स थ्री जन एटीन ए बी एंड हेयर मल्टीप्लाई करती हूँ ब्रैकेट के साथ नाइनटी साइन है एटीन टू जन थर्टी सिक्स ए की मल्टीप्लाई ए के साथ ए स्क्वायर एंड बी माइनस माइनस प्लस एटीन थ्री जन फिफ्टी फोर ए बी के मल्टीप्लाई बी के साथ बी स्क्वायर दिस इज आवर आंसर ओके नाउ कम टू इट्स फोर पार्ट फोर्थ पार्ट में हमारा क्वेश्चन है एक्स माइनस टू अपॉन थ्री वाई की क्यू इसको ए के क्यू एक्स बी टू अपॉन थ्री वाई थ्री एक्स टू बाई थ्री वाई एंड एक्स माइनस टू बाई थ्री वाई ये इस तरीके से मतलब पहले आइडेंटिटी को ध्यान रखते हुए आइडेंटिटी के जो वैल्यूज है वो पुटअप कर देंगे उसके बाद मल्टीप्लाई एंड एडिशन सब टैक्स जो होंगे सो टू की क्यूब थ्री की क्यूब ट्वेंटी सेवन
मल्टीप्लाई कीजिए 3 × 6 एक्स वाई एक्स क्यूब माइनस 8/27 आप इसे काटना चाहो काट सकते डिवाइड कर दो 2 ये बचे 2x अब मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट के साथ क्या है मल्टीप्लाई क्योंकि नेगेटिव साइन है वहां नेगेटिव साइन पर ध्यान रखेंगे 2 क्योंकि 1 था तो 2 बन जाए 1 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस अगले 2 × 4 ऑन 3 एक्स वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर ओके तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है अभी एक्सरसाइज बाकी है क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 से हम अगली क्लास के लिए छोड़ते हैं अगली क्लास से चालू करेंगे ओके आज के लिए इतनी थैंक यू